व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भाई स्कॉर्पियो NZ8L। भाई ये मॉडल खास है, आपका खास क्यों है ना, तो पीछे चलता हूँ एक बार। एंड पीछे देखोगे ना तो आपको यहाँ पे भाई बैज इसमें देखने को मिल जाता है, 4Xplor का ब्लैक कलर Z8L टॉप मॉडल है भाई आपकी ये गाड़ी। तो यार पूरी बात करते हैं, क्या चीज़ कैसे मिलती है भाई। 2023 का मॉडल है आपका, बिल्कुल लेटेस्ट। एंड भाई इसका जो लुक है ना यार, मतलब जो डैडी वाली फीलिंग है ना भाई, पूरी आपको ये गाड़ी देती है भाई। प्रेजेंस देखो यार, मतलब कितनी ज़्यादा बड़ी लगती है ना, बल्कि बहुत लगती है, ऐसा लगता है यार कोई भारी व्हीकल है बहुत ज़्यादा। एंड यार तकरीबन भाई 28.5-28 लाख रुपए के आसपास आपको ऑन रोड आगरा में कॉस्ट कर रही है ये गाड़ी। भाई लुक तो ताबड़तोड़ लगता है आपको इस गाड़ी का। तो यार थोड़ी सी ना हवा चल रही है, अगर हवा की आपको थोड़ी यार नॉइज़ आए ना विंडोज़, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना भाई। चाबी से स्टार्ट करता हूँ, एक बार चाबी देखते हो, ट्विन पिक्स का लोगो आपको यहाँ देखने में मिल जाता है। एंड भाई यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, एंड इससे आपका जो बूट है वो ओपन होता है, रिलीज़ नहीं होता है। दोनों चाबी आपको डिट्टो सेम मिलती है, इसमें भी बटन मिलते हैं, आपको इसमें भी बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यार चाबी को डालता हूँ पॉकेट के अंदर। एंड यार जब फ्रंट में देखते हो ना आपको 6 slat क्रोम इंसर्ट, मतलब यार वो चीते वाला जो पंजा होता है ना वैसा, लाइक 3000 आपको वो चीज़ पूरी देखने को मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। भाई हेडलैम्प्स की अब बात करते हो ना, एक बार तो आपकी ये चाबी है ना, इसको दबाओगे ना इसको आप दोबारा, लाइक आपको स्वाइपिंग इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अनलॉक करते हो, दो बार दबाते हो आप इसको, तो आपका भाई ना ये ब्लिंकर लाइक फ्लिक करने लगता है, ब्लिंक करता है पूरा। दोबारा अनलॉक करूंगा ना, आप देखते हो क्या सही लगता है ना, ये फ्लिकर मारता है, एक नंबर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। प्रोजेक्टर आपका लो बीम एंड रिफ्लेक्टर बेस्ड, आपको हाई बीम यहाँ पे देखने को मिलता है। स्वाइपिंग इंडिकेटर आप कह रहे हैं, जो DRL है ना इसका, फॉग लैंप हाउसिंग आपकी पियानो के ना वो देखने को मिलती है। एंड ये जो बिच्छू टाइप देख रहे हो, डंक टाइप वो देखने को मिलता है ना, ये स्कॉर्पियो से इंस्पायर्ड है। स्कॉर्पियो मतलब आपका यार जो बिच्छू होता है। नीचे की बात करते तो हेक्सागन शेप की लोअर ग्रिल देखने को मिलती है। एंड भाई 3 slat के अंदर आपकी स्किड प्लेट लग के आ रही है गाड़ी के अंदर। एक बार ना भाई इसको आप नीचे से देखो यार, तो इसका जो लुक है ना यार, मतलब यार स्किड प्लेट वगैरह ना प्रॉपरली इंटीग्रेटेड आपको इस गाड़ी के अंदर सब चीज़ लगी हुई मिलती है। साइड प्रोफाइल जैसे है तो MRF वॉन्डर लग के आ रहा है आपका, इसका डायमंड कट एलॉय देखने को मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड आपके भाई रियर में भी डिस्क ब्रेक आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ये आपका 18 इंच का पहिया मिलता है आपको इसके अंदर। तो यू विल सी भाई आपके 5 नट आ रहे हैं, डिस्क आपका आ रहा है 255/60R18। एंड टायर की जो प्रोफाइल है ना अच्छी लगती है, कमाल का लगता है। एयर इंटेक आपको विंड के लिए यहाँ पे मिल जा रहा है, आपके आगे से हवा ये काटेगा पूरा वो सब चीज़। एंड आपके भाई सस्पेंशन यहाँ पे देखने को मिलता है पूरा, तो यू कैन सी ना, मतलब टायर प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बड़ा पहिया है, चौड़ा पहिया है, आगे से देखो ना वाइड भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है ये पहिया। साइड पे जैसे मूव करता है आपका ए पिलर वगैरह वही बॉडी कलर मिलता है। डोर पे आपको क्रोम के इंसर्ट्स मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आपको इधर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम के आपको ट्रीटमेंट्स अच्छे लगते हैं। ऊपर आपको रूफ रेल देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर सैटिन सिल्वर कलर के अंदर, थोड़ा सा मैट ब्लैक भी आपको देखने को मिलता है। सनरूफ आपकी आ जाती है इसके अंदर, शार्क फिन एंटीना आपका वहाँ पे लगा हुआ आपको मिल जाता है। तो गाड़ी को एक बार अनलॉक करता हूँ ना, जैसे आप इसको दबाते हो आपकी गाड़ी अनलॉक यहाँ से हो जाती है ना। इसके अंदर भी ना इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वगैरह सब चीज़ मिलती है भाई। ये आपका ना 4x4 वाला नॉब देख रहे हो, 4 wheel low 4 wheel high, तो वो सब चीज़ आपकी इसमें लिखी हुई है। केबिन के अंदर आपके सॉफ्ट टचेज अच्छे खासे दिए हुए हैं। एंड आपको चढ़ने के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल तो लगा मिलता ही मिलता है यार, बढ़िया लगती है। अंदर की पूरी बात करूँगा, एक बार इसको करता हूँ ना बंद, तो आपको भाई चढ़ने के लिए ना इसमें आपका फुट रेस्ट लगा हुआ मिलता है भाई, बिकॉज ऊंची है, काफ़ी ऊंची है। आप देखते हो ना, डायरेक्ट अगर पैर ऊपर रखोगे ना तो भाई काफ़ी ज़्यादा हाइट है, बट यहाँ पे पैर रखो एंड इसको पकड़ लो तो आप जैसे ही चढ़ते हो ना आपको मतलब यार फील आता है पूरा। तो चढ़ने में आपको कोई दिक्कत एज इन फील नहीं होगी इसके अंदर। क्रोम की पूरी बीडिंग आपकी नीचे रन करती है। एंड भाई बैक में भी ये देख रहे हो डंक टाइप से जो बना हुआ है ना बिच्छू का, तो ये यार ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है गाड़ी के अंदर। रियर में जैसे आप आते हो भाई आपको यहाँ पे स्पॉयलर देखने को मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपका ये रहा, वाइपर आपका ये रहा। एंड लाइक यहाँ से इसको साफ बैक ले लो, वॉशर फ्लूड आपको भाई यहाँ से निकलेगा इसके अंदर। शार्क फिन एंटीना रूफ रेल्स वगैरह सब चीज़ प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है। 4x4 मतलब यार 4Xplor की ब्रांडिंग। हम भाई कल्याण महिंद्रा पे आगरा में आया हूँ, नंबर वगैरह आपको लिखा हुआ है, कॉल कर लेना, कोई भी गाड़ी इंक्वायरी करनी हो कर लेना, हो सकता है वो गाड़ी जल्दी मिल जाए यहाँ पे। स्कॉर्पियो N की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो भाई एक बार चाबी से आप इसको अनलॉक करते हो ना, तो रियर के अंदर आप देखते हो ये भी आपकी ब्लिंक करती है, देख रहे हो क्या सही लगती है ना। लॉक करूंगा तो स्वाइपिंग इंडिकेटर तो आपको मिलता ही है, देखते हो क्या कमाल का लगता है ना, मतलब यार लुक तो है पूरा गाड़ी के अंदर। एंड भाई आपकी 7-seater मॉडल है इसके अंदर। यहाँ से इसको जैसे आप अनलॉक करते हो, तो मेरे पे है यार चाबी इसकी, आप जैसे अनलॉक करते हो आपको भाई इस पे हाइड्रोलिक यहाँ देखने को मिल जाता है, जिससे कि ना ये अपने आप आपको धक्का वक्का ना दे दे, पूरा कंट्रोल्ड है यहाँ से, मतलब ना बना हुआ सब किताब है। ट्रिम देखते हो हार्ड प्लास्टिक एज यूजुअल, जो महिंद्रा आपको चीज़ देता है ना डाल के, पूरी आपको वही क्वालिटी यहाँ देखने को मिलती है। आप देख रहे हो यार आपका ये 7-seater वाला मॉडल है ना, तो पन्नी वगैरह इस पर आपकी चढ़ी हुई है। इसको एक बार ना पीछे खींचता हूँ मैं,
इससे कि इसकी सीट को हम लॉक कर दें। तो आपकी भाई सीट यहाँ से लॉक हो जाती है, इसको आप यहाँ पे डाल दो अंदर। एंड आप देखते हैं ना आपका लोडिंग एरिया जो है ना बूट काफ़ी ज़्यादा यार मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जब ये सीट आपकी खिंच जाती है लाइक पीछे आ जाती है। आई वुड से यार दो लोग हैं ना बच्चे ही बैठेंगे ना तो ही बेटर रहेगा। इसको आपको फोल्ड करना है तो खींचते हो उसको एंड आगे इसको टंबल कर दो, आपकी ये टंबल हो जाती है ऐसे। एंड इसको आप यहाँ से खींच के और भी ज़्यादा लाइक टंबल कर सकते हो यहाँ से। ये लॉक आपकी यहाँ पे देखते हो आपका स्पेयर टायर का एक्सेस मतलब ये जो कैप है ना आपका इसके नीचे आपका स्पेयर टायर लगा हुआ है पूरा। स्पेयर टायर एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, आपको भाई रिम देखने को मिलता है, एलॉय आपको देखने को उसके अंदर नहीं मिलता है। एंड जो टायर का सेक्शन आता है वो आपका 17 इंच का पहिया आपको उसके लगा हुआ मिल जाता है। साइड में आपकी एड्रेनोक्स की ब्रांडिंग पूरा। एंड यार ये पिलर है ना इसका क्वार्टर पैनल वगैरह भाई वॉल्वो से इंस्पायर्ड जो डिज़ाइन मिल रहा है ना बहुत अच्छा लगता है। आप इसको बंद करोगे ना यार वेटेड है वजन है अच्छा तो आपका यहाँ से ये बंद हो जाता है। ट्विन पीक्स का लोगो वगैरह आपका पूरा आ जाता है। एंड आपकी गाड़ी ना लॉक हो गई, कैसे ये अपने आप अब लॉक हो चुकी है बिकॉज मैंने वो रिक्वेस्ट सेंसर दबाया था तब खुला था। दोबारा दबाओगे आपकी अनलॉक बंद कर दे आपकी दोबारी भाई गाड़ी है लाइक ये लॉक हो जाती है। तो यार ये चीज़ मतलब टचेस आर गुड, आप देख रहे हो ये लॉक हो गई आपकी, थोड़ा टाइम लेता है बट हाँ अच्छा टच है। गाड़ी को भाई एक बार अनलॉक कर देता हूँ। एंड जैसे आप इसको अनलॉक करते हो ना आपकी फ्यूल लिड बाहर से ही ओपन हो जाती है। डीजल आपका यहाँ से डलेगा, एड ब्लू मतलब यूरिया आपका यहाँ से डलता है इसके अंदर। वही इसके आपकी 57 लीटर्स की डीजल की स्टोरेज मिलती है आपको, एड ब्लू आपका यहाँ से डलेगा। एंड देखते हो डीजल वगैरह सब प्रॉपर लिखा हुआ है, फिल BS6 डीजल ओनली, तो आप देख रहे हो सही है। यहाँ से इसको बंद करते हो आप, एड्रेनोक्स की ब्रांडिंग पूरा। पर ये तो ना मोटी मोटी बात होगी पूरी बाहर की, जब हम पूरी बाहर की बात करते हैं एक बार भाई गाड़ी का हुड को मैं ओपन करता हूँ। एंड अगर आपको हुड ओपन करना है ना तो यहाँ से आप इसको पुल करते हो आपका हुड भाई अनलॉक हो जाता है। एंड जैसे ही आप आगे आओगे ना तो भाई यू विल सी ना देख रहे हो आपको लग रहा होगा अभी अनलॉक नहीं हुआ है बट हाँ भाई अनलॉक हो चुका है आपका। एंड भाई बहुत ज़्यादा वेटेड मिलता है आपको उसके यहाँ जो आपको हुड है ना ये बहुत ज़्यादा वजन है भाई। हुड तो मैंने अनलॉक कर दिया है मगर ना यार बहुत ज़्यादा भारी है, उठाने में थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है मतलब यार कलाई बहुत ज़्यादा बेंड हो रही है। एक मैं लॉक खोल दूँ उसका, अब उठाओ उठाओ उठाओ। वो यार वजन इतना ज़्यादा सॉलिड फील होता भाई, ये लगा देना इसका, यहाँ से ये निकल के यहाँ पे आपका इसमें लग जाता है। तो भाई आप देख रहे हो आपके स्वाइपिंग इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं बिकॉज ये महिंद्रा का सेफ्टी फीचर है जो महिंद्रा को ऑफर करती है। कभी खुदा ना खासा आपकी गाड़ी अगर ख़राब हो जाए बीच रोड पे हाईवे पे कहीं पे सुन सारे इलाके पे तो भाई ये अपने आप ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि आपको कोई पीछे से हिट ना कर दे। मेन पर्पस उसका यही मिलता है आपको 2.2 लीटर मतलब यार 2184 cc का आपका ये एम हॉक डीजल इंजन है जो कि आपको भाई 170 PS की पावर दे रहा है। एंड भाई आपको 400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क दे रहा है। आप देखते हो ना भाई अंडर बॉडी डैम्पिंग वगैरह आपको प्रॉपर लगी हुई मिल जाती है। आपका ये जो बार है ये पूरे इसका लोड ले रहा है भाई। स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर ना आपके आपके पूरा लाइक हाइड्रोलिक्स लगे हुए आ जाते हैं बट इस गाड़ी के अंदर भाई ये उससे महंगी है, उससे महंगी गाड़ी है आपकी, मगर भाई इसके अंदर ना कंपनी ने आपको हाइड्रोलिक्स नहीं दिए, हाथ से ही उठाओ हाथ से ही लगाओ एंड दोबारा इसको नीचे गिराओ। तो वो सब चीज़ें इंजन में देख रहे हो यार पूरा, आप देखते हो ना अच्छा खासा भरा हुआ है। एंड यहाँ पर भी आपकी महिंद्रा की ब्रांडिंग आप देख पा रहे हो, जूम करूँ एक बार देख रहे हो महिंद्रा की ब्रांडिंग हो रखी है। तो यार बैटरी आपकी एरी इंजन है भाई, जान है इसके अंदर पूरा भाई, हर गाड़ी के अंदर ना आपका यही महिंद्रा डालता है। एंड यार ताबड़तोड़ इंजन है इसको कहते हैं। कूलेंट वगैरह आपको सब प्रॉपर है, डैम्पिंग वगैरह अच्छा काम करा हुआ है, बहुत ज़्यादा भारी है भाई। 5-स्टार रेटिंग ना क्या होती है ना कैसे होती है ना वो महिंद्रा जानता है कैसे लाई जाती है आपकी वो रेटिंग। अब इसको ड्रॉप करूँगा ना एक बार, आपका ये बंद करा मैंने एंड अब यू विल सी आपके अपने आप बंद हो जाएंगे भाई। तो आप देखते हो ना स्वाइपिंग इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाते हैं, सेफ्टी फीचर है अपने आप बंद भाई। अब ना एक बार गाड़ी की चाबी मेरे पास है, चाबी को लेता हूँ एंड भाई अंदर चाबी को रख के एक बार गाड़ी का इग्निशन ऑन कर देता हूँ। जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो आपके और VMs अनफोल्ड हो जाते हैं। वॉल्यूम को आप यहाँ से बंद कर दो एंड हेडलाइट्स वगैरह को मैं ऑन कर देता हूँ, सब चीज़ इंडिकेटर्स भी इस गाड़ी के मैं ऑन कर देता हूँ। आपके इंडिकेटर मैंने ऑन कर दिए, आप एक बार ना इधर से देखोगे ना तो यू विल सी ना भाई आपके फॉग लैम्प्स ऑन हो गए, आपका प्रोजेक्टर भी ऑन हो गया ना, आपका रिफ्लेक्टर देख रहे हो यहाँ से भी आपकी लाइट आ रही है। स्वाइपिंग इंडिकेटर है, लगती है बहुत कमाल की है भाई, लगती तो यार शानदार है मतलब मज़ा आ जाता है गाड़ी का लुक देख के मेरे को कसम से। ये आपका लो बीम है, ये आपका हाई बीम मिलता है, देखो डिटेल कितना अच्छा है, अंदर पूरा ब्लैक आउट देख रहे हो मिल रहा है ना, तो बढ़िया चीज़ है। तो भाई एक बार गाड़ी का डोर खोलते हैं भाई, अब अंदर की बात करता हूँ। इग्निशन को मैं ना बंद कर देता हूँ उसका दोबारा, फालतू बैटरी काय को वेस्ट कर रही, गाड़ी की आपकी डिलीवरी होगी। हेडलाइट्स को आप यहाँ से बंद कर देते हो एंड आपकी ये पूरी बंद हो चुकी है अब। तो आप देख रहे हो भाई अब यहाँ पे देख रहे हो आपको लाइक सही टचेस देखने को मिल जाते हैं। उसके लेदर की आपको अपहोल्स्ट्री मिलती है पूरा है ना, इलेक्ट्रॉनिक सीट है, इससे आपकी रिक्लाइन होती है, इससे आपकी ऊपर आएगी। लंबर सपोर्ट की बात करते हो मैनुअली आपको लंबर देखने को मिलता है इसके अंदर। ये आपका सेंटर में है ना, यहाँ से लंबर थोड़ा बाहर अंदर नीचे होता है इसके अंदर। यहाँ पे आपको सैटन सिल्वर के टचेस, पियानो ब्लैक के टचेस, सैटन सिल्वर का ये आपका हाउसिंग मिल रही है पूरा, ग्रैब हैंडल पकड़ने के लिए एंड सॉफ्ट टच के अंदर लेदर, हार्ड प्लास्टिक टिपिकल महिंद्रा।
यहाँ की बात करते हो ये भी हार्ड है, बट आपका ये सॉफ्ट है। एंड आप जब इसकी बात करते हो ना, बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है आपको इसके अंदर। आप देखते नीचे आपका स्पीकर वगैरह ग्रिल पूरी आ रही है। तो यार एक बार अंदर बैठता हूँ गाड़ी के, एंड जैसे आप अंदर बैठते हो ना, तो भाई यू विल सी ना भाई, लैप ऑफ लग्जरी तो है भाई। मतलब गाड़ी के अंदर आपको टोटल लग्जरी मिलती है। डोर को मैं करता हूँ बंद एक बार, जैसे आप बंद करते हो ना उसको, यार मज़ा आ जाता है। मतलब गाड़ी के अंदर बैठते एक बार, गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट करते हैं एक बार। जैसे ही पुश बटन को आप यहाँ पे दबाओगे, आपकी गाड़ी फुल स्वाइप मारेगी ना। हाँ भाई फुल स्वाइप मारता है, 220 की टॉप स्पीड है। एंड 79 में वो रेंज वगैरह दिखा रहा है, वीयर सीट बेल्ट, एयर सर्कुलेशन ऑन, वो सब चीज़ आपको दिखाएगा। बढ़िया लगता है, मज़ा आता है यार बैठने के अंदर। थोड़ा सा ना आइडल पे जब खड़ी है ना भाई, वाइब्रेशन फील हो रहा है मेरे को इसके अंदर, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। टायर प्रेशर लो है आपका 31-31 बता रहा, दोनों इस साइड के पहियों में आप देख रहे हो, वो सब चीज़ पूरा लो फ्यूल है, वो सब फ्यूल करा लो पूरा। आप इसकी बात कर दो ना स्टीयरिंग की, तो आपको टिल्ट मिलता है, नॉट टेलीस्कोपिक, ओनली टिल्ट। स्टीयरिंग आपको लेदर रैप्ड देखने को मिल जाता है, आपको ग्रैब हैंडल्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर एयर बैग्स है, ABS है, EBD है, ESP है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, हिल डिसेंट कंट्रोल, सब चीज़ आपको बटन वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं। ऑटो इग्निशन, आइडल इग्निशन स्टॉप, वो सब चीज़ मिलती है आपको इसके अंदर। एंड यार आपकी गाड़ी पार्क में खड़ी है, मेन जो चीज़ के पैसे दे रहे हो ना इस गाड़ी के अंदर भाई, आप वो इसके दे रहे हो, फोर व्हील लो फोर व्हील हाई। इसका आपका भाई 4x4 का पूरा नॉब है, 4Xplor आपका वेरिएंट है। एंड आप देखते हो लेदर रैप्ड है आपका, सैंडल सिल्वर के टचेस आप कह रहे हैं, पियानो ब्लैक की हाउसिंग अगर आ जाती ना तो यार मज़ा आ जाता स्टीयरिंग देखने में, बहुत ज़्यादा क्लासी लगता लगता तो अब भी है। बट हाँ पियानो ब्लैक आपको यहाँ पे तो मिलता है, यहाँ पर भी बटन पे दे सकते हैं जैसे XUV के अंदर आपको देते हैं ना, तो मज़ा आता है उससे। आप यहाँ पे देखते हो रियर वाइपर कंट्रोल, फ्रंट वाइपर कंट्रोल, ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है। एंड आप जब यहाँ की बात करते हो ना, आपको उसके अंदर टॉगल वगैरह अगर करना है ना, तो यू विल सी भाई आपको इसके अंदर पूरा हिसाब किताब जो मिल रहा है ना, मतलब सही मिलता है। यहाँ से देखते हो ये बटन है आपका ड्राइव इन्फो वगैरह, इससे आप देखते हो, इसको दबाओगे ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, यहाँ पे बीच में आप स्पीड आने लगेगी ना, इससे इसको सेट करता हूँ, ओके कर दिया मैंने। यहाँ से आपका अच्छा वही ऐसे सेलेक्ट होता है भाई, दबा के सेलेक्ट होता है इसको, दोबारा इस पे आता हूँ ना मैं, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे, तो यू विल सी आपका डिजिटल स्पीड, इससे आप इसको दोबारा दबाओ, सेलेक्ट हो गया आपका ये, अब आपकी स्पीड यहीं पर आने लगेगी। मतलब देख रहे हो, इसको रेव करता हूँ एक बार, लॉक डायर पे तकरीबन 3000 तक जाएगा, इससे ऊपर आपका RPM नहीं जाता इस गाड़ी के अंदर। ये सब चीज़ होगी। सोनी का सिस्टम आ रहा है इसके अंदर आपके भाई, टोटल 4 स्पीकर्स, 6 ट्विटर्स, एंड 1 सबवूफर आपको यहाँ पे प्लेस है। स्कॉर्पियन की ब्रांडिंग आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है, आपका ग्लव बॉक्स है, कूल मिलता है ना, आपको लैंप भी अंदर देखने को मिलता है, आप देख रहे हो अंदर लैंप लगा हुआ आपका, तो ये सब चीज़ है। स्कॉर्पियन की ब्रांडिंग, सॉफ्ट टच, ये आपका हार्ड है पूरा, देख रहे हो हार्ड है, हार्ड है। यहाँ पे आपको SRS एयरबैग की ब्रांडिंग, ट्विटर आपको यहाँ पे जाता है, सनरूफ आपकी गाड़ी के अंदर आ जाती है पूरा। यहाँ से इसको दबाओगे आपकी इससे लाइक खुलती है सनरूफ, इससे आपकी बंद, वो सब चीज़ मिलती है। लैंप वगैरह के लिए आपको LED लैंप्स इसके अंदर मिल जाते हैं देखने के, सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ की बात करते हैं आपको भाई, टिकट होल्डर यहाँ देखने को मिलता है। इधर की जब बात करोगे तो आपको विद LED लैंप आपको यहाँ पे वाइजर मिल रहा है। भाई वाइफ है मैडम जो भी बैठेंगे यहाँ पे उनके लिए चकाचक, मतलब स्पेस अच्छा काम करा हुआ। माइक्रोफोन आपका ये रहा, ऑटो डिमिंग वगैरह आपको इसके अंदर नहीं मिलता, नॉर्मल आपको इनसाइड रियर व्यू मिल रहा है। गियर नॉब की जब बात करते हो ना, तो भाई आपका ऑटोमेटिक इसके गियर बॉक्स आता है पूरा। एंड रिवर्स, जैसे मैंने रिवर्स डाला, आपकी रिवर्स डल चुका है गाड़ी के अंदर, तो यू विल सी ना ये आपका रिवर्स है, इससे रिवर्स डालती आपका भाई। इसके फ्रंट एंड रियर सेंसर्स आपको इसके देखने को मिल जाते हैं ना, इसका कैमरा ऑन हो चुका है, अडैप्टिव गाइडलाइंस आपकी इसके अंदर आ जाती है, सही लगता है। जैसे आप इसको ड्राइव में डालते हो, आपकी गाड़ी ड्राइव में डल चुकी है, हैंड ब्रेक को डाउन कर दो एक बार, एंड आपकी गाड़ी जैसे आप छोड़ोगे ना इसको, ये आगे बढ़ने लगेगी, तो वो सब चीज़ मतलब सही लगती है, मतलब चलाने में ना मज़ा है इसको यार। दोबारा इसको रिवर्स में डाल के इसको बैक कर देते हैं, ये आपकी बैक, ये आपकी लग गई यहाँ से बैक, पार्क में यहाँ से डल जाएगी आपकी, इसको हैंड देखो खींच दो आपकी पार्क में खड़ी हुई है गाड़ी। इंडिकेटर वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सब चीज़ आपको मिल जाती है। ब्लोअर की अगर स्पीड आपको बढ़ानी है घटानी है, यहाँ से आप देख रहे हो एनिमेशन कैसा बना हुआ आता है, पंखा जा घटाओगे तो कम हो जाएगा, वो सब चीज़ मिलती है। पियानो ब्लैक की पूरी हाउसिंग मिल रही है, स्क्रीन भी अच्छी लगती है यार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती। ऊपर से डाउन करो SOS इमरजेंसी म्यूट, USB ड्राइव वगैरह सब चीज़ ना बढ़िया काम करता है इसके अंदर। यहाँ से आप इसको बैक कर दो, नीचे से ऊपर लोगे आपके कनेक्टेड ऐप्स, जस्ट डायल वगैरह, हॉरोस्कोप, क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल को दबाते हो, ये आपका क्लाइमेट खुल गया। यहाँ से भी आप स्पीड वगैरह घटा बढ़ा सकते हो पूरी, जो आप बटन से काम करोगे वो आपका सारा काम यहाँ से हो सकता है, तो सही चीज़ लगती है। मतलब ना काम अच्छा करा हुआ महिंद्रा यार, बहुत कुछ सीख गया, बहुत कुछ करना आ गया। वायरलेस मोबाइल चार्जर, पावर USB एयर है, पावर चार्जिंग एरिया आपकी, एयर रखी आपको लाइट, पैसेंजर एयर रख ली यहाँ पे पूरी देखने को मिल जाती है इसके अंदर। ये आपका डायल है पूरा, 4 हाई 4 लो, कौन से उसमें मोड में चलाना है आपको, तो आप देख रहे हो इंगेज होने वाला है आपका, 4 व्हील हाई आपका स्नो पे है ना ये वाला, इसको दोबारा आपको देख हो, स्नो पे आपका सेट हो गया। यहाँ से आप इसको डालते हो उधर को, तो आपका भाई ये वाला जो मोड है इसके अंदर आपका मड मोड आ गया ना एक्टिवेटेड। एक बार और करता हूँ उसको इधर, तो आपका ये वाला जो मोड है सैंड मोड। अब आपका दोबारा इसके अंदर भाई मैंने डाला है इसको
ग्रेविल स्नो मोड एक्टिवेटेड, तो देखते हो एनिमेशन भी बने हुए आते हैं भाई, आपका नॉर्मल मोड है ये बिल्कुल, तो वो सब चीज़ है भाई, अच्छा काम करती है। दोबारा इसको दबाते हो आपका ना लाइक ये पूरा बंद हो जाता है अपने आप। यहाँ की बात करते हैं आपको भाई इसके आर्मरेस्ट अच्छा खासा देखने को मिलता है, एक चाबी वाबी रख सकते हो, अच्छा डिसेंट है, कोई ऐसा आपको दिक्कत फील होगी। लेदर की आपको टैन कलर की अपोल्स्ट्री मिल रही है, मजेदार बढ़िया क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैनल ब्लैक की हाउसिंग, सैंडल सिल्वर के टच है, स्विटर आपका बोरा है, सर ऐसे की ब्रांडिंग, स्विटर आपका ये रहा, एंड सनरूफ आपकी पूरी आ रही है। ये आपका भाई 7 सीट वाला मॉडल है, दो लोग आगे, तीन लोग यहाँ पे, दो लोग आपके पीछे, तो हो गए भाई टोटल आपके 7 लोग बैठ सकते हैं। कैप्टन सीट वाला मॉडल नहीं है आपका, एक बार ना पीछे बैठ के बात करते हैं, एक बार यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार, एंड अब जैसे ही आप पीछे चलते हो ना तो यू विल सी भाई उतरना चढ़ने में आपको एज इन कोई दिक्कत फील नहीं होगी। बट यार जो पल्ले की क्वालिटी वगैरह महिंद्रा ऑफर कर रहा है ना भाई, ताबड़तोड़ मतलब कमाल की क्वालिटी आपको ये गाड़ी दे रही है। एंड यार जो इसका फील है ना पूरा रोड पे जब लेके निकलोगे, प्रेजेंस बहुत अच्छा देती है, मस्कुलर लगती है, बोल्ड लगती है, मतलब यार एक जो फील होता है ना टोरे वाला जो हिसाब किताब ना स्कॉर्पियो आपको जो देती है भाई पूरा पूरा देती है। ब्लैक कलर के अंदर तो यार और ज़्यादा शानदार लग रही है, एलॉयज 18 इंच के आपके इसके अंदर आए गए। अंदर चढ़ना एक बार तो भाई आप ग्रैब हैंडल को यहाँ से पकड़ो, इसका पैर को यहाँ पे रखो, एंड आप जैसे ही अंदर चढ़ते हो आप भैया से अंदर आ जाओगे पूरा, आपको ऐसे कोई दिक्कत फील नहीं होती। रियर में ब्लूअर के कंट्रोल्स 3 तरह के मिल रहे हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, USB-C, AC वेंट, अच्छी सीटिंग है, कंफर्टेबल सीटिंग मिलती है आपको यहाँ पे, एंड डोर का पल्ला बंद करोगे ना तो आप देख रहे हो अच्छा खासा आपको पल्ला मिलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। पैनल ब्लैक के टच है, साइलेंट सिल्वर टच है, सब चीज़ बढ़िया है। रियर सीट पॉकेट मिल रही है इधर भी, एंड रियर सीट पॉकेट मिल रही है इधर भी आपको भाई, थोड़ी सीट मैंने ज़्यादा लिटाल दी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ना इसके अंदर भाई नी रूम भी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट एडिक्वेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेग स्पेस तो भाई बढ़िया मिलता है आपको, हेडरूम भी चकाचक है, सनरूफ ऐसा कोई ज़्यादा एरिया नहीं खाती, ये भी आपको LED लैंप यहाँ देखने को मिल जाता है। मैप पॉकेट्स पे आपको लैंप वगैरह नहीं मिलता है, SRS एयरबैग की ब्रांडिंग ये मिल रही है आपको, एंड भाई आपको SRS एयरबैग की ब्रांडिंग यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। रियर में आपको भाई लैंप यहाँ देखने को मिल रहा है, एंड देख रहे हो ये लैंप आपका इधर भी आ रहा है एंड आपको उधर भी मिल रहा है, तो टचेस दिए हुए हैं मतलब क्वालिटी बढ़िया दी हुई है। आप सेंटर की बात करते हो आपको आर्मरेस्ट इसके अंदर मिल जाता है, अभी पन्नी वगैरह चढ़ी है ना इसके अंदर, आपका 2 कपोल्डर्स आ रहे हैं यहाँ से, इसको बंदी करता हूँ, पन्नी वन्नी उतारनी पड़ेगी, पूरा पूरा नाटक है। 60-40 स्प्लिट तो आपको मिलता ही है, अच्छा है यार मतलब मज़ेदार है, एंड कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो आप, जैसे आप देखते हो मैंने इसको रिक्लाइन कर दिया और ज़्यादा पीछे, तो आपकी ये भी आप इसको रिक्लाइन करो अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से जैसे हो। 3 लोग बैठ सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर हम्प मिलता है, ऑलमोस्ट फ्लैट। एंड रियर की सीट की बात करता हूँ भाई, बच्चों के लिए ही है स्पेशली, ज़्यादा आप उस पर लाइक डिपेंड नहीं हो सकते कि 7 सीटर है, नहीं भाई बूट स्पेस पूरा ख़त्म हो जाता है आपका। तो यार यही था इस गाड़ी के अंदर, आपको कैसी लगती है भाई ये गाड़ी ना, 2023 लग चुका है आपका, एंड भाई इस गाड़ी का भौकाल है भाई, 2 साल की वेटिंग है भाई, 2 साल की वेटिंग। तो यार अगर आपको भी कोई अपनी डील वगैरह क्रैक करनी है तो एक बार बात कर लेना। आप अगर सोचो मैं गाड़ी अभी अपनी बेच दूँ ना आपको स्कॉर्पियो मिल जाएगी तुरंत, भाई ऐसा नहीं है, 2 साल की वेटिंग है, बहुत होता है 2 साल यार, तकरीबन आपके भाई 720 दिन के आसपास कुछ हिसाब करते। तो यार यही था इस वीडियो के अंदर भाई, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड यार दैट्स इट, अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर भाई, लव यू ऑल।